The throws keyword is in Java is used to declare exception that can occur during the execution of a program. For any method that can throw exception, it is mandatory to use throws keyword to list the exception that can be thrown. जैसे कि यहाँ पर दो लॉगिन बनाए हैं, यहाँ पर दो लॉगिन क्लास, और लॉगिन में हम लिखते हैं क्लास आईएनटी डबल कोट्स और कुछ भी यहाँ पर लिखना चाहते हैं। एक लॉगिन हो गया ईएमपी का और एक लॉगिन हो गया एडमिन का। दोनों में आप क्या लिखते हैं यहां पर पार्स आई एन पी और यहां पर हम कुछ वैल्यू को डालेंगे। अब अगर बाई चांस यूजर यहां पर टेक्स्ट बॉक्स से मान लो है ना, और टेक्स्ट बॉक्स से यूजर ये डाल देता है, तो यहां पर अगर ये आ गया, आपको पता है ना कि पार्स एंटी एरर दे देगा। क्यों एरर देगा बताओ, क्यों एरर देगा? क्योंकि एआरजीएस नहीं लिखा लिखा है हम ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि 101 पार्स आईएनटी हो सकता है। अगर हम यहां लिख दे 100 तो ये इंटीजर्स में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन क्या ये इंटीजर्स में कन्वर्ट हो सकता है? ये 101 तो इंटीजर्स में कन्वर्ट हो सकता है ना, क्योंकि ये नंबर है ना। यस, लेकिन ये तो स्ट्रिंग है, ये इंटीजर्स में कन्वर्ट हो सकता है क्या? नहीं सर। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर। तो भाई सबको ही बोलो, खाली एक ही सिंह बोलेगा? सर सर हम तो सी में तो टाइप पास करके सर वन डॉट टाइप्स टू अनदर डॉट कन्वर्ट कर सकते हैं ना सर? आपका आवाज नहीं आ रहा। सर इन सी लैंग्वेज हम टाइप कास्ट यूजिंग करके सर वन लैंग्वेज टू वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप कन्वर्ट कर सकते थे सर? हाँ, अब आपका आवाज नहीं आ रहा क्लियर, लेकिन शायद थोड़ा थोड़ा जो आया, हाँ शायद वही होगा जो आप बोल रहे हैं। सर वो बोल रही है कि इन सी लैंग्वेज हम टाइप कास्ट यूज करके वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप कन्वर्ट कर सकते थे, यहाँ पे वो हो सकता है कि नहीं? नहीं देखो यार, सब कुछ हो सकता है, बट आप इसको कन्वर्ट कर सकते, ठीक है ना, वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप पार्स आईएनटी कर रहे हो, स्ट्रिंग को इंटीजर्स में चेंज कर रहे हो, तो क्या जीजी जीजी का कोई इंटीजर बन सकता है क्या? सर इतना छोटा सा चीज में इतना कंफ्यूजन है। बोलो भाई सत्यम। सर कर तो सकते हैं लेकिन गड़बड़ होगा, जहां पर मैचिंग होगा वहां गड़बड़ होगा, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। तो सर छोटा छोटा डाटा टाइप से बड़ा डाटा टाइप ले जा सकते हैं, लेकिन बड़ा से छोटा ले जाने में दिक्कत हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे इरर बताएगा आई थिंक। हाँ, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्लोज एक्सेप्शन मेरे को देना है कि प्लीज इंटर नंबर्स ओनली, ठीक है, इन एडमिन,
और यहां देना है प्लीज इंटर नंबर्स ओनली इन एडमिन, ठीक है। तो यहां पर इस लॉगिन में हम थ्रोस कीवर्ड दे देंगे और इस लॉगिन में भी थ्रोस कीवर्ड दे देंगे। तो जहां पर इसको यूज किया जाएगा वहां पर बता दिया जाएगा कि आपको एक एक्सेप्शन जनरेट होगा, कोई भी एक्सेप्शन, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकता है, टाइप कन्वर्जन एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर टाइप कन्वर्जन एक्सेप्शन आएगा, वो एक्सेप्शन आपको जनरेट करेगा और आप उसको हैंडल कीजिए। इस कारण से हम थ्रोस कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखाने चाहेंगे, देखो इस जगह पर हम यहां पर सम में थ्रोस अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखे हैं। जब हम टी डॉट एस करेंगे सम, तो देखो यहां पर कुछ लिख रहा है, इस जगह पर पढ़ो कुछ लिख रहा है थ्रोस अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। अगर हम इसको नहीं देंगे तो कुछ लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। तो ये हम लोग देने से क्या होता है कि यूजर को यह पता चलता है कि यहां पर कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन एक्सेप्शंस आ सकते हैं, तो आप उसको प्लीज हैंडल कीजिए। तब यूजर क्या करेगा, उसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक में डाल देगा और वहां पर किसको कॉल करेगा, उसकी कॉल करेगा टी डॉट सम को कॉल करेगा और यहां पर लेट सपोज जैसे है यहां पर एक एरर है, हाँ यहां पर अगर एक एरर है 5 / 0 तो उसको वो बोलेगा कि भाई इसको हमको प्रिंट कराना है, तो हम यहां पर प्रिंट करा देंगे और यहां पर हम लिख देंगे वैलिड नंबर 0, ठीक है। और हम यहां पर जब इसको रन कराएंगे तो यहां पर ये इनवैलिड नंबर 0 का मेरे को एरर जनरेट करके दे देगा। तो ये मेरे को पता कैसे चला कि ये वाला मेथड्स एरर जनरेट कर सकता है, ये मेरे को पता चला यहाँ पर थ्रोस देने से। और थ्रो का यूज कहाँ होता है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को बनाने के लिए हम लोग थ्रो को यूज करते हैं। बट एक्सेप्शन आएगा कहाँ पर आएगा उसको अगर हमको बताना है तो हम वहां पर थ्रोस कीवर्ड का यूज करते हैं और जब रन कराएंगे उसको तो वहां पर मुझे पता चलता है कि थ्रोस कीवर्ड एक्चुअल में क्या एरर जनरेट कर रहा है। अभी क्लियर है शायद, यस और नो सबको ही बोलेंगे भाई। सर ये पहले बार जो आपने ये प्रोग्राम हमको करके दिखाए थे ना, उससे में सर वो हम ट्राई कैच यूज नहीं किए थे, मतलब पहले ऊपर से ही एक्सेप्शन लिख देने में वो एरर ऑटोमेटिकली रिमूव हो रहा था। तो सर अगर इसमें हो सकता है तो क्यों हम ट्राई ब्लॉक अगेन यूज करें? बिल्कुल, ट्राई नहीं यूज करने से क्या होगा देखो, एरर जनरेट किया उन्होंने, यस सर, और वेलकम को प्रिंट किया, देखो ध्यान से वेलकम को प्रिंट किया कि नहीं किया, देखना इस चीज को, क्या वेलकम को प्रिंट किया नहीं, तो आगे किया नहीं किया, है ना। लेकिन जब हम यहाँ पर
इसको ट्राई कैच ब्लॉक में डाल रहे हैं तो ये एरर जनरेट करने के बाद आगे के कोड को एज इट इज रन कर रहा है। तो एक्सेप्शंस को थ्रोज करना, एक्सेप्शंस आना, ये कोई मैटर नहीं है, उसको हैंडल करना इज मैटर। अगर हम हैंडल करेंगे तो मेरा प्रोग्राम भी कभी भी अनरिस्पॉन्डिंग या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या फिर आगे के चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा, ऐसा कभी भी एरर नहीं आएगा। नहीं करेंगे तो मेरा प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेड शटडाउन, ये सब एरर्स वगैरह वहां पर जनरेट कर देगा। तो सर हम ट्राई और कैच को बिना यूज किए फाइनली में भी तो डाल सकते हैं, क्योंकि वो एरर जनरेट करने के बाद भी एक बार प्रिंट कर देता है। आप तो बिना ट्राई को यूज किए हुए आप फाइनली यूज कर सकते हैं क्या? नो सर, आप बिना ट्राई कीवर्ड लिखे हुए फाइनली को यूज कर पाएंगे? नो सर, ट्राई में तो फिर फाइनली लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो आपके पास दो ऑप्शन है, कैच का और फाइनली का। फाइनली हम जो कब देते हैं, फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इसको देखने से बेनिफिट क्या होता है, जैसे अगर एक सिस्टम है और उस सिस्टम को आप या डेटाबेस का कनेक्शन एस्टैब्लिश है, आपको उस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना है, तो एरर आए या चाहे नहीं आए आपको कनेक्शन को तो डिस्कनेक्ट करना है ना, ये बताओ। अगर एक्सेप्शन आ गया या कोई प्रॉब्लम हो गया तो भी आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी को ऐसे आपको बाहर आना है, आपको कनेक्टिविटी को क्लोज करना है डेटाबेस से, तो आपको उस केस में फाइनली यूज करना चाहिए जहां पर आपको पता है कि मेरा एक्सेप्शन जनरेट हो आइदर नहीं हो, ठीक है, लेकिन मेरे को वहां पर कनेक्शन क्लोज होना चाहिए, तो वहां पर आप फाइनली में कनेक्शन क्लोज का कोड यूज कर सकते हो। ओके सर, क्लियर है? ये सर क्लियर, ठीक है। सर हम लोग थ्रो कीवर्ड बोथ मतलब यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड दोनों एक्सेप्शन के साथ यूज कर सकते हैं ना? अच्छा रितिका, आप ही पूछ रहे थे उस दिन में से? नहीं सर, हम नहीं पूछे थे लास्ट क्लास, सर हम अटेंड नहीं किए थे, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत था, बारिश हो रहा था। तो तो क्या पूछ रहे हो सर? थ्रो कीवर्ड हम लोग यूजर डिफाइंड के लिए यूज करते खाली की मतलब दोनों के साथ कर सकते हैं यूज? दोनों के साथ करते हैं यूज, ऐसा तो नहीं कि थ्रो यूजर डिफाइंड के साथ एक्स्ट्रा में नहीं कर सकते। हम तो उसने करके भी दिखाए थे आपको, शायद अर्थमैटिक एक्सेप्शंस को यूज किए थे हम लोग। नहीं सर, लास्ट क्लास जब हमको याद है उस दिन भी आप बताए थे कि थ्रो कीवर्ड हम लोग यूजर डिफाइंड के साथ यूज करते, तो इसीलिए हम पूछे। एक बनाए भी थे शायद, वो जस्ट लाइक ए यूजर डिफाइंड ही था, लेकिन उसको हम लोग यूज कर रहे थे। कुछ माय एक्सेप्शन करके कुछ एक्सेप्शन था उस प्रोग्राम में, वहां पर माय एक्सेप्शन करके प्रोग्राम था, तो मैक्सिमम उसको यूजर डिफाइंड के लिए ही यूज करते हैं। ओके सर, और थ्रोस को क्यों करते हैं? थ्रोस का यूज करते हैं कि हम यूजर को ये बता सके कि आपका इस पार्टिकुलर फंक्शन में ये एक्सेप्शन आ सकता है, तो आप इसको हैंडल कीजिए। जब उसको हम वापस देंगे तो आप इसको हैंडल कीजिए, हम उसको बता सकते हैं ये चीज, हम उसको ये कर सकते हैं। हम तुरंत वहां पर हैंडल नहीं कर रहे, थ्रो क्या करता है, थ्रो तुरंत उसका हैंडल करता है, थ्रो उसका तुरंत इंस्टेंस जनरेट करता है। जैसे हम थ्रो में देखो न्यू कीवर्ड लिखते हैं तो तुरंत जनरेट करता है उसको, लेकिन थ्रो क्या करता है, वो जस्ट उसको डिक्लेयर करता है। जब उसको हम लोग रन करते हैं, जब उसको हम लोग कॉल करते हैं, हम लोग वहां पर उसको हैंडल करते हैं। और थ्रो क्या करता है, थ्रो वहां पर, अच्छा उसको हम लोग किस पे लिखते हैं, फंक्शन के बाहर लिखते हैं थ्रोस को, थ्रोस को, और थ्रो को कहां लिखते हैं, फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो थ्रोस क्या करता है, इंस्टेंटली वहां पर जनरेट करता है एरर। ओके ठीक है, तो दिक्कत है ओके
यस सर। आरबीएस वाले बंदे कुछ बोलते ही नहीं है। भाई सबको ये बोलो अभी क्लियर है, हम आगे बढ़े। हाँ ना, हम आपको कुछ बता दिए थे, अभी हम मल्टी थ्रेडिंग को आगे एक्सप्लेन करते हैं। लेट सपोज कि सबसे पहले थ्रेड्स एक्चुअल में होता क्या है, हम सबसे पहले थ्रेड्स को समझते हैं एक्चुअल में होता क्या है। जैसे जस्ट लाइक ये एक मेरा वीडियो एप्लीकेशन है, मान के चलते हैं कि एमएक्स प्लेयर है या कुछ भी है, एमएक्स प्लेयर ही है, ठीक है। और जब वीडियो एप्लीकेशन मेरा रन करता है तो इसमें छोटे छोटे कुछ प्रोसेसेस जनरेट होते हैं। जैसे नंबर वन प्रोसेस हो गया मेरा म्यूजिक, दूसरा काउंटर, वीडियो कितना देर चला है नहीं चला है, म्यूजिक मतलब ऑडियो हो सकता है, ठीक है, खुद वीडियो और चलो टीवी मान के चलते हैं, सबटाइटल। हाँ चलो ठीक है, सबटाइटल, ठीक है। ये तीन चार चीज जो है ये मेरा वहां पर एक साथ चलना चाहिए, ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनल प्रोसेस की बात करेंगे, मेन थ्रेड्स सिस्टम में एक बाय डिफॉल्ट थ्रेड्स होता है भाई। कौन सा थ्रेड होता है? मेन थ्रेड होता है। हम प्रूफ करके दिखा देते हैं मेन थ्रेड होता है। देखो यहां पर अगर हम एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं करें, जैसे यहां पर अगर हम एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं करेंगे तो ये एक एरर जनरेट करता है। जैसे डॉग वन है यहाँ पर ही ना, हम यहाँ पर कुछ एरर जनरेट करते हैं। लिख दो और रन करो। देखो यहाँ पढ़ो जोर से, कोई क्या लिखा हुआ है? पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में है, सिस्टम बाय डिफॉल्ट एक थ्रेड्स अपने से रखता है और उस थ्रेड का नाम है मेन थ्रेड, जो जेवीएम बनाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। तो अगर मेन थ्रेड पर अगर हम इस वीडियो को चलाते हैं और वीडियो कोडिंग कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि पहले वीडियो, देन ऑडियो, देन काउंटर और देन सबटाइटल, तो ये मेन थ्रेड्स क्या करता है, वन बाय वन एग्जीक्यूशन करता है। और वन बाय वन एग्जीक्यूशन करेगा तो क्या होगा, अगर एक घंटे का वीडियो है तो पहले एक घंटा वीडियो चल जाएगा, उसके एक घंटे के बाद ऑडियो आएगा, उसके एक घंटे के बाद काउंटर का आएगा, उसके एक घंटे के बाद सबटाइटल आएगा। तो क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? नो सर। एक साथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? ठीक है, तो अब हम इसका प्रोग्राम आपको दिखाते हैं। देखो हम यहां पर एक सिंपल प्रोग्राम बनाए हैं, काउंट टू पॉइंट काउंट थ्री है ना, और यहाँ पर एक एक फंक्शन है यहाँ पर रन, और यहाँ पर एक मेथड है रन। इस पे लिखा हुआ है वीडियो, इस पे लिखा है म्यूजिक, और इसको हम यहाँ पर मेन के अंदर कॉल कर रहे हैं, पहले रन को फिर यहाँ पर दोनों के रन को कॉल कर रहे हैं। तो इसको रन करा रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, वन बाई वन एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो पहले सब वीडियो चला गया, जितना वीडियो था सब चल गया और उसके बाद म्यूजिक चल, तो ये गलत तरीका है। अगर हम मेन थ्रेड को यूज करके ये प्रोग्राम बनाएंगे तो ये गलत है, ऐसे नहीं होता है। सेम टाइम अगर हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि थ्रेड्स का यूज करके बनाएंगे, तो थ्रेड का यूज एक्चुअल में होता कैसे, तो हमें सबसे पहले थ्रेड्स के थ्रू किसी क्लास को बनाने के लिए एक्सटेंड करना पड़ता है थ्रेड क्लास से,
तो हम क्या लिखेंगे, क्लास का काउंट एक्सटेंड टेड। उसके बाद वहां पर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, कंस्ट्रक्टर में हम सुपर, सुपर आपको पता है कि आपका इनहेरिटेंस के लिए यूज होता है, और इनहेरिटेंस में हम सुपर मतलब हम पेरेंट्स क्लास के। रितिका बताइए तो सुपर कीवर्ड क्यों यूज करते हैं सर? सुपर कीवर्ड हम लोग पेरेंट्स क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए चाइल्ड क्लास में यूज करते हैं, और ये क्या बोलते हैं डेटा टाइप्स को भी कॉल करने के लिए पेरेंट्स क्लास के। तो यहाँ पर हम पेरेंट्स क्लास के मेथड्स को कॉल करने के लिए सुपर कीवर्ड को यूज किए। अभी अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि सुपर वगैरह क्यों लिखा हुआ है, तो यह पहले ही आप लोगों को पता चुके थे कि अगर आप पहले के क्लास को ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और हम भी बैठो पढ़ो, सुपर कीवर्ड समझो, इनहेरिटेंस समझो, तब जाके आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। सुपर कीवर्ड लिखा गया है और यहाँ पर स्टार्ट लिखा गया है। स्टार्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं? स्टार्ट यूज करते हैं हम लोग कभी भी किसी थ्रेड्स को जनरेट करने के लिए, किसी थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी थ्रेड्स है तो उसको स्टार्ट करने हैं, तो स्टार्ट करने के लिए हम को मैंडेटरी है कि हमको वहां पर स्टार्ट लिखना पड़ता है। ये प्री डिफाइंड है जावा की तरफ से, ये इसको हमको लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या है, इस जगह पर हम ये रन बाय डिफॉल्ट होता है थ्रेड के अंदर में, और ये स्टार्ट क्या करता है, जहां पर भी आप इस स्टार्ट को लिखेंगे ये रन को ऑटोमेटिकली ये कॉल करेगा, रन को ऑटोमेटिकली वो कॉल करेगा, इस रन को वो ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा, ये उसका फीचर्स में आता है। ठीक है, इस रन को वो ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा। तो सबसे पहले हम क्या किए, एक यहाँ पर काउंट नाम से बना लिए, इस काउंट का हम कंस्ट्रक्टर बना लिए। ठीक है, यहाँ पर हम थ्रेड्स क्रिएटेड करके एक दे दिए हम, उसके बाद स्टार्ट कर दिए थ्रेड को। अब हम यहाँ पर एक दूसरा बनाए काउंट वन नाम से। अभी काउंट वन में क्या है, फिर से हम इसको वही प्रोसेस किए हैं, सब कुछ वही है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर म्यूजिक है और यहाँ पर वीडियो है। ठीक है, अब हम मेन थ्रेड्स के अंदर में आकर, मेन थ्रेड जो अपना होता है, देखो यार कोई भी सब थ्रेड को एक्टिवेट करने का ऑप्शन मेन थ्रेड के पास ही होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट JVM मेन थ्रेड को क्रिएट करता है, और मेन थ्रेड्स क्या करते हैं, सब थ्रेड्स को क्रिएट करते हैं। तो जो भी यहाँ पर थ्रेड्स बना हुआ है काउंट और काउंट वन, इसको कौन क्रिएट करेगा, इसको मेन थ्रेड ही क्रिएट करेगा। तो हम मेन थ्रेड के अंदर में क्या किए हैं, ये दोनों का आपका ऑब्जेक्ट बना लिए, एक ऑब्जेक्ट है CNT, एक ऑब्जेक्ट है CNT1। अब हम क्या किए हैं, ट्राई कैच एक्सेप्शन को यूज किए, वो हमको एक्सप्लेन नहीं करना होगा अभी, हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाइल CNT.isAlive। isAlive का मतलब क्या होता है, हम उस दिन आपको लाइफ साइकिल बताए थे, आपको आपको थ्रेड्स का लाइफ साइकिल बताए थे, देखो थ्रेड्स का लाइफ साइकिल आपको बताए थे, सबसे पहले रनेबल, सस्पेंड, लॉक, टर्मिनेटेड। मतलब थ्रेड्स अलाइव है कि नहीं का मतलब क्या है, कि थ्रेड्स जो है वो अभी अपना काम पूरा कर लिया है कि नहीं कर लिया है। अगर वो अपना काम पूरा कर लेगा तो वो टर्मिनेटेड हो जाता है, वो अलाइव नहीं रहता है। तो पूरा होने का मतलब क्या है, अब ध्यान से देखो, इस रन के अंदर में इसको काम क्या है, इसको काम है 1 से लेकर 10 तक को प्रिंट करना, इसका काम यही दिया गया है, ये 10 तक प्रिंट करेगा फिर अपना ये अलाइव ये नहीं रहेगा। ठीक है, इसका काम जो दिया गया है वही दिया गया, सेकंड वाले का भी, फर्स्ट वाले का भी काम यही दिया गया है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि CNT.isAlive है कि नहीं है, अगर है तो आपका यहाँ पर system.out.print में लिखेगा मेन मेथड विल बी अलाइव टिल द चाइल्ड थ्रेड इज अलाइव। मेन मेथड, मेन थ्रेड तब तक वो लाइव अलाइव रहेगा जब तक चाइल्ड थ्रेड्स जो है वो अपना काम पूरा करके खत्म नहीं कर लेता है। जितना भी मान लो कि 100 थ्रेड्स है मेन के अंदर में, तो पहले वो 100 थ्रेड्स का काम खत्म होगा, तब मेन थ्रेड्स जो है वो अपने आप को एंड करता है, अपने आप को टर्मिनेट करता है।
एक भी थ्रेड से अगर सब थ्रेड से अगर अलाइव है तो मेन थ्रेड कभी भी टर्मिनेट नहीं हो सकता है। तो वही चीज यहां पर दिखा दिया है कि यहां पर सीएनटी इज अलाइव। सीएनटी क्या है? सीएनटी मेरा एक थ्रेड है जो हमने ऊपर में यहां पर बनाया है, यहां पर काउंट। तो यहां पर सीएनटी और सीएनटी वन दो मेरा थ्रेड्स है। अब हम बोल रहे हैं कि सीएनटी इज अलाइव तो ठीक है, और सीएनटी वन अगर इज अलाइव है तो आप इसको एग्जीक्यूट करते रहिए। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थ्रेड डॉट स्लिप। स्लिप क्या का क्या काम होता है थ्रेड्स में? स्लिप का काम होता है कि उस थ्रेड्स को उतने देर के लिए आप होल्ड कर दीजिए, उस थ्रेड को उतने देर के लिए आप होल्ड कर दीजिए, यही काम होता है आपका वहां पर स्लिप का। तो हम यहाँ पर थ्रेड्स को थोड़े थोड़े देर के लिए होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्यों होल्ड कर रहे हैं? क्योंकि एक साथ ये रन करते हैं, एक साथ रन करते हैं का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो आप फिर से देखिए थोड़ा सा ये एक्चुअली कैसे काम करता है। अभी जब अगर हम सिंपल ट्रेडिशनल प्रोसेस की बात करेंगे तो ये मान लो मेरा मेन थ्रेड है, तो इसका एग्जीक्यूशन पाथ एक ही होता है, इसे पहले वीडियो को रन करता है फिर म्यूजिक को रन करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अभी ट्रेडिशनल नहीं यूज करके अगर हम थ्रेड सिस्टम को यूज करते हैं तो यहाँ क्या होता है, जितने थ्रेड्स जैसे यहाँ पर सीएनटी बनाए थे, सीएनटी वन बनाए थे, ये दोनों और मेन थ्रेड, हमारे पास तीन थ्रेड्स हैं, इसका अपना एग्जीक्यूशन पार्ट होगा, इसका अपना एग्जीक्यूशन पार्ट होगा और इसका अपना एग्जीक्यूशन पार्ट होगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, ये तीनों एक ही टाइम पर रन करेगा, और रन करेगा तो क्या होगा, म्यूजिक भी चलेगा और वीडियो भी चलेगा, क्योंकि सबका एग्जीक्यूशन पार्ट अपना अपना है। और पहले क्या था, सारे मेन के थ्रू होकर जाते थे, तो मेन का एग्जीक्यूशन के थ्रू जाते थे, तो होता क्या था कि मेन पहले एक को एग्जीक्यूट कर रहा था फिर दूसरे को कर रहा था, इस तरीके से काम हो रहा था। बट अभी सबका अपना अपना एग्जीक्यूशन पार्ट है, तो सब अपना अपना एग्जीक्यूशन सीपीयू के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहां पर क्या सिस्टम हो गया कि अगर इस अलाइव है तो उसको आप प्रिंट कीजिए। अब देखो ध्यान से आउटपुट पे ध्यान देना, देखो आउटपुट पे ध्यान देना, सबसे पहले वीडियो चला, वीडियो के बाद म्यूजिक चला, फिर वीडियो चला, फिर म्यूजिक चला, और ये इतना फ्रिक्वेंटली हो रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा है। वीडियो चला, फिर म्यूजिक चला, फिर वीडियो चला, फिर म्यूजिक चला। आप देखना इसका सीक्वेंस जो होता है ना वो चेंज होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड सीक्वेंस है। मैं आपको दिखाता हूं इसका सीक्वेंस फिक्स नहीं होता है। हम इस पहले वाले का सीक्वेंस को हम यहाँ पर पेस्ट कर दिए, ठीक है, वीडियो चला था फिर म्यूजिक फिर वीडियो। अब हम फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं, देखिए पहले वीडियो फिर म्यूजिक, फिर देखिए यहां पर पहले म्यूजिक चला फिर वीडियो चला फिर म्यूजिक चला। यहां देखिए पहले दो बार म्यूजिक चला है फिर वीडियो चला है, उसके नीचे वाले में देखिए म्यूजिक वीडियो, यहां पर म्यूजिक वीडियो म्यूजिक, ठीक है, फिर वीडियो, यहां देखिए दो ही चला है, उसके बाद देखिए म्यूजिक और वीडियो, यहां पर म्यूजिक और वीडियो। तो आप देखिए एक साथ ये फ्रिक्वेंटली एक ही टाइम पर चल रहा है, पहले पूरा वीडियो फिर पूरा म्यूजिक, ऐसा नहीं हो रहा है, म्यूजिक वीडियो साथ में चल रहा है, साथ में मेन थ्रेड भी काम कर रहा है, मेन थ्रेड भी आपका एग्जीक्यूट कर रहा है दोनों को। तो ये काम होता है मल्टी थ्रेडिंग का, और इसलिए हम लोग मल्टी थ्रेडिंग यूज करते हैं। अगर मल्टीपल प्रोग्राम को एक्सेस कराना है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे तो जब आपका फाइल डाउनलोड हो रहा होता है तो उस सिचुएशन पे भी आप अपना बाकी काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर, बताइए, कर पाते हैं ना? अगर उस कोडिंग को हम मेन थ्रेड के अंदर डाल देंगे तो पता है क्या होगा, सुनो क्या होगा, देखो
हम यहाँ पर डाल दिए मेन थ्रेड पर, और यहाँ पर कोडिंग लिखा हुआ है मेरा मेन थ्रेड्स का, ठीक है, यहाँ पर मेरा मेन थ्रेड्स का कोडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा मेन थ्रेड्स का कोडिंग लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लिखे हैं कि डाउनलोड होगा पहले, कुछ हम देख सकते हैं डिस्प्ले, फिर डाउनलोड, उसके बाद हम लिख दिए हैं सो। तो हुआ क्या कि डिस्प्ले हुआ, उसके बाद वन बाय वन एजुकेशन है, फिर डाउनलोड आ गया। अब इस डाउनलोड को होने में मेरे को लग गया लगभग लगभग 1 घंटे। तो 1 घंटा सिस्टम इसको एग्जीक्यूट कर पाएगा अगर लाइन लाइन बाय लाइन है तो, क्योंकि पहले तो इस काम को फिनिश करेगा तब तो इसको करेगा। समझ में आ रहा है? यस बताओ, सर। क्योंकि ये तो वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है ना, तो पहले इस काम को कंप्लीट करेगा फिर इस काम को कंप्लीट करेगा। तो यहां पर क्या होगा, सिस्टम आके हैंग कर जाएगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग एरर आ जाएगा, क्योंकि जब तक वो डाउनलोड नहीं करेगा। अगर इसको हम अलग थ्रेड्स में डाल देते हैं वो आगे के काम को करेगा और डाउनलोड भी साथ ही साथ चलता रहेगा। ये एक रियल टाइम एग्जाम्पल है जहां पर हम लोग थ्रेड्स को यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर मतलब मल्टी थ्रेडिंग में सबका अपना अपना एग्जीक्यूशन प्रोसेस हो जाता एग्जीक्यूशन है ना। पाथ होता है, सीपीयू के साथ अपना अपना एग्जीक्यूशन कर सकता है। जेवीएम सबको इंडिविजुअली टाइम देकर रन कराता है। देखो अभी हमारे सिस्टम में मल्टीपल कोर्स होते हैं। मल्टीपल कोर्स का मतलब क्या होता है, 8 कोर 12 कोर प्रोसेसर्स होते हैं। तो वो सारे प्रोसेसर से अगर हम चाहेंगे तो एक एक प्रोसेस एक कोर के साथ काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो यही चीज हम लोग पूरा फुल यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग यहां पर इसको यूज करते हैं, ठीक है। और अगर एक सिंगल कोर भी है ना, तो ऐसा नहीं कि मल्टी थ्रेडिंग यूज नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम यूज कर सकते हैं। बट वहां पर क्या होता है, वहां पर टाइम फ्लक्चुएशंस होता है, वो इतना स्पीड होता है कि हमको नहीं पता चलता है। एक बार थ्रेड वन को दिया गया, फिर तुरंत थ्रेड टू को दिया गया, फिर थ्रेड मेन थ्रेड को दिया गया, इस तरीके से ना वो इंटरचेंज करते रहता है, उसको कंट्रोल जेवीएम बनता है। लेकिन वो इतना फास्ट होता है कि हमको पता नहीं चल पाता है, इस कारण से वो हम फ्लक्चुएशंस देते हैं। लेकिन आपको सिंपल सा एक बात सोच के देखो, अगर एक कोर में हो रहा है और फ्लक्चुएशंस भी हो रहा है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली स्लो होना ही होना है। लेकिन अगर मल्टीपल कोर्स और मल्टीपल एजुकेशन पाते हैं और मल्टीपल कोर्स के साथ वो वर्क कर रहा है तो वो स्लो नहीं होता। यही कारण होता है कि कोर्स जो होते हैं वो बढ़ाने से हमारा सिस्टम फास्ट होता है। कोई डाउट है इसके अलावा? नो सर। रजिस्ट्री में सोए हुए हैं क्या? अच्छा नो सर। सर सर फीवर में है, उसको तो हो सकता है ना, इसलिए। हो गया है, चलो मैं देख के। और इधर भाई अजय प्रकाश जी, अजय प्रकाश भाई, यस सर। हाँ समझ में आ रहा है आपको? यस सर आ रहा है। आप पढ़ाई कर नहीं रहे मुझे पता है, आप आंसर भी नहीं करते हैं क्लास में। सर इससे पहले का सर पढ़े नहीं है ना सर, तो मतलब बता नहीं पाते हैं सर। तो अच्छा कैसे होगा आगे ये बताओ मेरे को। सर ट्राई कर रहे हैं सर, पढ़ना स्टार्ट किए हैं सर, एरे तक पढ़ लिए, उसके आगे का पढ़ना बाकी है। मेरे साथ नहीं चलोगे अजय तो फिर कैसे चलेगा तुम्हारा काम? थोड़ा पीछे है सर, लेकिन कर लेंगे सर, मेंटेन कर लेंगे। करो, दौड़ो, दौड़ो, दौड़ो। अगला अगला सा एक्सेप्शन हैंडलिंग आएगा, वहां पर हम लिख देंगे आईओ एक्सेप्शन एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल एक्सेप्शन हम लिख देंगे। क्या समझोगे उसका मतलब कि सर एसक्यूएल एक्सेप्शन क्यों लिखे हैं?
इस वीक के इंड तक सर आप जहाँ तक पढ़ाए हैं सर वहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे सर। करो बहुत जरूरी है भाई। यस सर। हाँ तो लगो उसके पीछे। नहीं सर वो प्रैक्टिस करेंगे खुद।